आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपका IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है और आप जो है अपना फोन पे, गूगल पे और पेटीएम यूज नहीं कर पा रहे हो, यानी आपको जो है टेक्निकल इशू का कोई एरर शो कर रहा है, तो अब जो है आप किस प्रकार से मनी ट्रांसफर कर सकते हो। बैलेंस इंक्वायरी भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो चलते दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले जो है आप देख सकते हो मेरे पास जो है एक स्क्रीनशॉट है, जो कि आप देख सकते हो इनेबल टू फेच बैंक बैलेंस, इनेबल टू लोड अकाउंट बैलेंस, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, समथिंग वांट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम, या प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। यानी इस प्रकार का आपको एरर देखने को मिल रहा है, नहीं आप मनी ट्रांसफ़र कर पा रहे हो और नहीं आप बैलेंस चेक कर पा रहे हो। तो अब जो है आप किस प्रकार से बैलेंस चेक भी कर सकते हो और मनी ट्रांसफ़र भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, तो मैं जो है आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको फ़ोनपे का जो एरर है वो दिखा दिया है, और पेटीएम और गूगल पे का जो एरर है वो भी इसी प्रकार का है, यानी उसमें जो है इनेबल टू लोड अकाउंट बैलेंस और इनेबल टू ट्रांसफ़र मनी, इस प्रकार का एरर है। तो मैं जो है आपको गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे सभी की जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ़ोनपे के बारे में। फ़ोनपे जो है मैंने ओपन कर दिया है, आपको भी अपने फ़ोन में फ़ोनपे ओपन कर लेना है। फ़ोनपे ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है आप देख सकते हो आपका जो इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपको जो है आपके प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफाइल, आपको यहाँ पर सिंपली से प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपका नाम शो करेगा, और यहाँ पर जो है पेमेंट मैथड में बैंक अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट मेथड बैंक अकाउंट, इस पर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी। मेरा जो फ़ोनपे है उसके साथ अभी मैंने सिर्फ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ही ऐड कर रखा है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो मैंने जो है इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे प्राइमरी अकाउंट पे। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने जो है यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ चुका है, और यहाँ पर जो है एक ऑप्शन मेरे को मिल रहा है सबसे नीचे, अनलिंक बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड निकनेम के नीचे अनलिंक बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, आपको सिंपली से अनलिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। अनलिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हो। इसे पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर इसे अनलिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अनलिंक पे क्लिक करोगे तो आपका जो ये अकाउंट है यहाँ से इनएक्टिव हो जाएगा। अकाउंट इनएक्टिव होने के बाद आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा दोबारा से अनलिंक बैंक अकाउंट, आपको दोबारा से ये अकाउंट अनलिंक कर देना है। जैसे आप इसे अनलिंक करके रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करने के बाद जो है यहाँ पे जो है ये हट जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है अब एक ऑप्शन शो कर रहा है ऐड बैंक अकाउंट, तो ये जो ऑप्शन है पूरी तरह से हट चुका है। तो यहाँ पर जो है आपको ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च बाय बैंक नेम, यहाँ पे जो भी आपका बैंक का नाम है जैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। अन्यथा आप जो है लिस्ट में भी चेक कर सकते हो कि आपके बैंक का नाम है या नहीं। आपको जो है अपना जो बैंक है ये दोबारा से ऐड करना है, बैंक आपको दोबारा से ऐड करना है। दोबारा से ऐड करने के बाद आप जो है अपने फ़ोन पे बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकते हो। अन्यथा अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, बैंक ऐड करने के बावजूद भी आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको जो है क्या करना है, तो आपको जो है बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोनपे दिखेगा, यहाँ पे ये फ़ोनपे, आपको फ़ोनपे पे क्लिक करना है। फ़ोनपे पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है ऐप इन्फो, ऐप इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टोरेज, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोरेज, आपको जो है स्टोरेज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टोरेज पे क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पर क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करना है।
क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आपको जो है अपना जो फोन पे है वो आपको दोबारा से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको फोन पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप जो है बिल्कुल आसानी से अपना फोन पे यूज कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एरर शो नहीं करेगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ फोन पे, गूगल पे और पेटीएम के बारे में। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो फोन पे के बारे में जो मैंने आपको बता दिया है, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम होती है वो फोन पे के साथ हो रही है अभी तक। पेटीएम और गूगल पे के साथ भी जो है प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। तो पेटीएम में जो है आप बिल्कुल आसानी से अपना बैंक अकाउंट अनलिंक कर सकते हो, और गूगल पे में भी। यानी आपको अपना जो बैंक अकाउंट है वो पेटीएम से अनलिंक करना है, फिर दोबारा से आपको लिंक कर लेना है। और गूगल पे अगर आप यूज़ करते हो तो गूगल पे में भी आपको सेम ऐसे ही करना है। आपको जो है अनलिंक करना है अपना अकाउंट। अकाउंट अनलिंक करने के बाद आपको दोबारा से अपना अकाउंट ऐड कर देना है। तो अपना जो एरर है आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड यही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कुछ नए टॉपिक के।